वी हैव जस्ट ब्लो ड्राई द बाइक, मतलब सिर्फ एयर कंप्रेसर यूज करके बाइक को ब्लो किया एंड इट इज ड्राई। क्विक लॉक टैंक बैग ऐसे आप निकालो, ऐसा रखो, ऐसा लग जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। पहले हम इस कवर को साइड में टिका देते हैं और हम इसे अभी लेके जा रहे हैं ओसीडी रिटेल स्टूडियो, बिकॉज इसको पार्क वाक करना है थोड़े दिनों के लिए। आप लोगों को पता ही है कि मुझे गंदी बाइक को पार्क रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो या लेट्स डू दैट फर्स्ट टुडे। फोर्टी का टेम्परेचर तक रुक जाते हैं। तो अगर आप लोग आज सोच रहे हो कि मैंने ये व्लॉग सीधा सीधा बाइक पे क्यों चालू किया, दैट इज जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि मुझे ओसीडी पहुंचना था 11:30 तक और अभी यहाँ पे ही हो गया है 11:33। कोई नहीं, 5 मिनट का रास्ता है, पहुँच जाएंगे। और ये सुबह सुबह का अननेसेसरी ट्रैफिक हर जगह, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बाइक बहुत ज़्यादा डस्टी हो गई है, क्योंकि संडे को हम राइड पे गए थे और राइड पे जाने के बाद ऐसे कैसे खुली पड़ी थी, एंड प्लस उसके बहुत टाइम पहले से भी पार्क थी। सो द प्रॉब्लम इज कि अगर मतलब मेरे यहाँ बाइक अगर कवर में भी खड़ी रहती तो भी उसमें काफ़ी सारी डस्ट आ जाती है, दैट इज आई हैव टू फ्रीक्वेंटली गेट देम वॉश्ड। वो तो थैंकफुली मेरे बाइक पे कोटिंग है तो इतना कुछ होता नहीं है, नहीं तो अगर बिना कोटिंग हुआ तो पता नहीं क्या क्या हो गया होता बाइक पे। पता डिस्टेंस है ना, ज़्यादा कुछ है नहीं, आई थिंक 1.5 या 2 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, और उसके लिए भी 10 मिनट लग जाता है क्योंकि सिग्नल ट्रैफिक ये वो, और सुबह सुबह तो क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। और ये देखो ऐसे लोग, हेलो 11:38, 8 मिनट लेट से चलेगा। तो अभी हम लोग जैसे ओसी रिटेल स्टूडियो आ गए, आई थिंक आप लोगों को पता है अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। बाइक बहुत दिन से गंदी खड़ी है तो आई थॉट यू नो उसको पूरा क्लीन करना जरूरी, एंड स्पेशली यू गाइस नो दैट जब मैं अपनी बाइक ज्यादा टाइम पार्क करने वाला होता हूँ तो आई मेक श्योर इट इज वेरी वेरी क्लीन। सो नाउ यू गाइस एंजॉय ऑल द क्लीनिंग इन द सिनेमैटिक मोड और देख लो सारा कुछ कैसे क्या होता है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, व्हेनेवर यू क्लीनिंग योर बाइक मेक श्योर यू डू इट विद क्लीन क्लॉथ एंड यू नो प्रॉपर इक्विपमेंट, जैसे कि ओसीडी में होता है, नहीं तो फिर वो क्लीन करने की जगह डैमेज ज्यादा कर देता है। चलो नाउ लेट्स गो। तो अभी जो आपने सारे के सारे शॉट्स देखे, ये कोई पॉलिशिंग वगैरह कुछ नहीं किया हमने बाइक पे, जस्ट क्लीन किया है इसको। और जैसे आपने एक शॉट देखा जब मैं ऐसे पानी को ब्लो करके उंगली कर रहा था, मेरी उंगली ड्राई की ड्राई रही, तो ये पावर होता है कोटिंग एंड समथिंग लाइक यू नो जो मैंने करा है ग्रफीन V3, तो वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल कोटिंग है बाइक पे। सो यू नो इसको कपड़ा भी नहीं लगाया, वी हैव जस्ट ब्लो ड्राई द बाइक, मतलब सिर्फ एयर कंप्रेसर यूज करके बाइक को ब्लो किया एंड इट इज ड्राई। तो ये एक प्लस पॉइंट है व्हेन यू गेटिंग अ वेरी वेरी गुड जॉब डन ऑन योर बाइक।
चलो बाय बाय। और अपनी बाइक हो गई एकदम मस्त साफ साफ। तो अभी अपना आज का नेक्स्ट स्टॉप रहेगा AH हेलमेट, क्योंकि मेरे को टाइगर के लिए एक टैंक बैग लेना है। ये रहा AH हेलमेट्स, चलो चलते हैं अंदर। काइंडली रिमूव फुटवेयर आउटसाइड, ठीक है भैया। व्हाट्सअप क्या बोलते हो इमन भाई? तो अभी हम लोग आ गए AH हेलमेट से। मैंने आपको बोला था कि मेरे को टाइगर के लिए टैंक बैग चाहिए, तो मैं ले रहा हूँ ये ऐसा कुछ टैंक बैग। दिस इज़ बाय MH मोटो। अब बेसिकली इसमें क्या होगा ना कि ये नीचे जो रिंग है और रिंग नीचे ये लगेगी टैंक वाले जहाँ पेट्रोल डालते वो होल्डर में, और ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरा पता है बीच में इशू आ रहा था कि टैंक पे स्क्रैचेस आ रहे थे। इसके पहले जो मेरा टैंक बैग था तो मैग्नेटिक था, तो उसके से टैंक हमेशा स्क्रैच होता था, हमेशा मेरे को OCD आ गया स्क्रैचेस निकालो वगैरह, तो इसमें वो इशू नहीं होगा। और एक इसका चीज़ है जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, मेरे को ये फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा एक फीचर दिखाने के लिए जो मेरे को बहुत अच्छा लगा है, और उसी वजह से आई एम बाइंग दिस। मैं एक्चुअली पहले GV लेने वाला था, पर GV मेरे को थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। आई थिंक 4000 का फ़र्क है, 3000-4000 का फ़र्क है। तो हम इसके साथ जा रहे हैं। तो फिर बज रहे 1:30 दोपहर के, और AH हेलमेट से मेरा काम हो चुका है। बैग मैंने ले लिया, अभी मैं घर जाके इसको टाइगर पे इंस्टॉल करूँगा। और अगर आप लोगों को भी ये बैग लेना है, विच इज़ लाइक अभी तो मैं टेस्ट करने वाला हूँ इसको, बट आई कैन ऑलरेडी फील इट्स ऑफ एक्चुअली वेरी गुड क्वालिटी, तो आप AH हेलमेट से आके ले सकते हो। इट्स इन अंधेरी वेस्ट, देखो अंधेरी वेस्ट में इन्फिनिटी मॉल का सिग्नल है, उससे आगे आ जाओ, लेफ्ट साइड में स्टोर है। हेलो, नाइस टू मीट यू। हाँ, घर घर करते ना, मेरे को मैसेज करो, इंस्टाग्राम कर दो या कुछ भी ईमेल, जो भी आपको सही लगे अपन करते हैं। चलेगा? हाँ हाँ, मैं भी एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊँगा फिर अपन करते हैं कुछ। पता नहीं कभी दिमाग घूम जाए इन लोग का। तो हेलमेट सबके इधर भी देना। हाँ हाँ, वो हेलमेट क्या, मेरे को लगा आपका भाई के बीवी में घायल पे था बोला। अच्छा नहीं, ये टैंक बैग लेने गया था मैं। अच्छा अभी राइड पे? हाँ हाँ, ये लेके कि नहीं नहीं टाइगर लेके, इसके लिए शायद ट्रैक डे जाऊँगा मैं अभी, तो उसके लिए बचा के रखा हुआ है। चलो भाई मिलते हैं। तो देख लो फाइनली दोनों बाइक फिर से घर आ चुकी है। टाइगर का सारा काम हो गया है ट्रिप के लिए। और देखो नया नया क्या लगा है मेरे पास, ये क्विक लॉक टैंक बैग, जैसा निकालो ऐसा रखो वैसा लग जाता है। और दूसरी चीज़ है इसमें ब्रेक पैड्स नए नए डाले गए हैं। और तीसरी सबसे बड़ा चेंज वो है ये देखो रॉक्स का राइजर्स पिवट टेबल वाला। तो बेसिकली मेरा अभी हैंडल बार पहले यहाँ हुआ करता था, जो भी यहाँ पे है मैंने पीछे इसके ले लिया, क्योंकि मेरे हाथ सही से पहुँचेगा और मैं स्ट्रेट बैठूंगा अब यहाँ पे। पहले मैं थोड़ा ऐसा झुक के बैठता था आगे, तो वो सब नहीं है, देख लो एकदम शॉर्ट हो गया है बाइक। तो ये सारी चीज़ों की आपको मैं एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन कल के ब्लॉग में दूंगा। आज का ब्लॉग मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो ये वाला वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, और एक अपडेट है, शाम को मैं जब बाइक लेने गया तब मैंने ब्लॉग क्यों नहीं किया, तो बेसिकली मैं निकला टैंक बैग हाथ में था, सारे पार्ट्स का बोला सब तो ले लिया मैंने, मेरे को घर से कॉल आता है कुछ भूल नहीं रहा है ना, कुछ नहीं सब तो है मेरे पास, टैंक बैग इधर है, वॉलेट ऐसा है, फ़ोन है, बातें होती है, हेलमेट किधर है भाई तेरा, मैं बोला मुझसे। तो फिर मैंने स्विगी से मेरा दूसरा वाला जो सादा ब्लैक वाला हेलमेट है वो मंगाया, और वो पहन के मैं टाइगर घर लेके आया। तो इसके लिए मेरा GoPro लगा हुआ था और मैंने कुछ शूट नहीं किया वहाँ पे। तो अभी आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। उसके लिए बाय बाय एंड, हाँ हाँ ट्रिप की तैयारी चालू अच्छे से, तो बाय बाय एंड।